चले गया यार आरसीबी। आरसीबी की तरफ से चले गया रे, मिल जाएक चले गया, रीस्टॉपली भी चले गया रे, अब हम कैसे जीतेंगे। चलो रीस्टॉपली तो खेल भी नहीं रहा था। मिल जाएक चले गया रे, कोई बात नहीं यार, मैक्सवेल आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक जाएगा दूसरा आएगा, प्लेयर्स आर रिप्लेसेबल मैन। जॉस बटलर सेज गुड बाई टू आईपीएल 2024, अ बिग लॉस फॉर राजस्थान रॉयल्स। बिग लॉस, मैं भाई मैं राजस्थान रॉयल्स से कब से कह रहा था, दो तीन मैच पहले क्या बोल रहा था मैं इनसे, यार भाई अपने दूसरे प्लेयर को ट्राई कर लो। इनके पास उस टाइम पे को टाइम था, पता है, ये लोग चाहते तो भाई मतलब यार दूसरे प्लेयर को खिला सकते थे, बट इन लोगों ने मेरी बात को इग्नोर किया। और अगर तुम कैंडी की बात को इग्नोर करते हो तुम्हारे साथ क्या होता है तुम्हें पता है, तुम कैंडी की बात को इग्नोर करोगे तुम्हारा मतलब यार सीन शॉर्ट बेकार रहेगा। अब इनको किसको खिलाना है, वो जो कोड में क्या था, वो कोड में रह क्या है, वो कोलमोर जो भी है, लोग बोल रहे थे बहुत कमाल का प्लेयर, आई डोंट नो, मैंने तो देखा नहीं है उस बंदे को, लेकिन यस बोल रहे थे कि यार तगड़ा प्लेयर है, अब उस बंदे को खिलाएंगे ये लोग ओपनिंग में, मेरे ख्याल से वही बंदा ओपन करेगा। सीन क्या है, अभी तक उस बंदे ने खेला नहीं था, अब अचानक से मतलब यार आप ऐसे मेन मैचेस में खिला दोगे उस बंदे को, क्या वो बंदा अच्छा परफॉर्मेंस देखेगा देगा, आई डोंट थिंक सो यार। तो दिक्कत है भाई अब राजस्थान रॉयल्स के लिए भी, वैसे इनकी मतलब यार जो ट्रेजेक्ट्री है वो अब नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है। इस वीकेंड में कौन कौन से लोग जाने वाले हैं, मोइन अली चले जाएगा, चलो मोइन अली तो मतलब यार सीएसके का है ना, अरे बिग डेंट भाई सीएसके के पास सारे के जितने प्लेयर हैं सब निकलने में लगे हुए हैं, तो मोइन अली चले गया। बेस्ट होगा जाना ना रहना जाना एक ही बात है भाई, बेस्ट हो ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटलर से फर्क पड़ता है भाई, बिकॉज यार ये बंदा बिग मैच प्लेयर है तो भाई ये बंदा चले गया है। सैम करन पंजाब बाहर हो गई तो क्या फायदा भाई, सैम करन भी निकल लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विल जैक्स आरसीबी के लिए जो डिसाइडर मैचेस है वहां पर को विल जैक्स नहीं होगा भाई, इट्स अ वेरी वेरी बिग डेंट भाई। अब आपको वो ओल्ड क्या कहता है आरसीबी देखने को मिलेगी, तो आरसीबी के लिए मतलब यार यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। फिल सॉल डेफिनेटली भाई केकेआर को भी यहां पर को बहुत बड़ा मतलब यार झटका लगा है, बिकॉज उनकी भी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो बहुत ज्यादा फिल सॉल के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब कौन आएगा उनकी तरफ, कौन है, मेरे ख्याल से जो गुरबाज है शायद आपको खेलते हुए दिखेगा, बिकॉज कीपिंग भी तो चाहिए ना इनको, हाँ तो फिल सॉल जा रहा है तो इनके पास कीपर होगा नहीं, कीपर के लिए अब डेफिनेटली गुरबाज जाने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है। लेट्स सी गुरबाज कैसा परफॉर्म करता है। रीस्टॉपली से मतलब यार किसी को कोई फर्क नहीं है, जो मुंबई के कहते हैं आरसीबी वाले हैं भाई ये तो इसको खिला भी नहीं रहे थे, तो भाई ये चले गया कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यूके जा चुके हैं, तो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने अपने नेशनल टीम को प्रायोरिटी दे रखी है, लेकिन इंडियन क्रिकेट लीग जो भी है आईपीएल है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के मतलब जो इंडियन प्लेयर्स हैं डेफिनेटली भाई उनमें अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, कितना है, एक दो हफ्ते तो ही ना है शायद आईपीएल में, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं एक दो हफ्ते बाद जाएंगे भाई। देख लो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, आईपीएल में इस बार एक चीज की जा सकती थी, जैसे वो सैटरडे वाले मैचेस है, आप लोगों ने कितने सैटरडे वाले मैचेस में दो मैच देखे बताओ, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे सैटरडे गए जहां पर कोई इन लोगों ने दो मैच रखे थे, ज्यादातर जो सैटरडे थे वहां पर को सिर्फ एक ही मैच किया गया। क्या आप लोगों को नहीं लगता है सैटरडे वाले दिन दो दो मैचेस किए जा सकते थे, आईपीएल की ड्यूरेशन उससे थोड़ा सा कम हो जाती, कम होती तो होता क्या कि टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको मतलब यार एक हफ्ता एक्स्ट्रा मिल जाता टी20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का, मिल सकता था, नहीं मिल सकता था, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू आता नहीं है, क्योंकि यार मतलब जितने ज्यादा मैचेज होंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा। अब आपको पता है जिस दिन दो मैचेज होते हैं उस दिन मतलब यार लोग जो होते हैं वो देखते नहीं है शो, दिन वाला मैच तो मतलब बहुत कम लोग देखते हैं, तो इन लोगों ने रखा नहीं उस हिसाब से। द नंबर 45 जर्सी एट के कहते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो रोहित शर्मा ने यार अपनी जर्सी को फ्लॉन्ट कर दिया है, कैसी लग रही है कॉमेंट सेक्शन में बताओ भाई। कैप्टन रोहित इन न्यू ट्रेवल किट फॉर इंडियन टीम, भाई रोहित शर्मा अभी से ऐसी अच्छा मुंबई इंडियंस के शायद आखिरी मैच बचा हुआ है ना, हाँ हाँ ठीक है तब तो यार भाई, ये कैसा लग रहा है किट यार, जर्सी भी थोड़ी अच्छी बना देते यार भाई, लास्ट ईयर वाली जर्सी कितनी मस्त लग रही थी यार भाई, ब्लू पूरी वो, ठीक है भाई ब्लैक एंड व्हाइट में आप पहुंच चुके हैं, तो न्यूजीलैंड वाली जर्सी लग रही है इस बार तो हमारी भी भाई, गॉड ब्लैक एंड व्हाइट बना दी, थोड़ा ब्लू वाला लगाओ यार भाई, ट्रेनिंग किट भी है तो यार भाई, ट्रैवल किट भी है तो यार, मतलब थोड़ा ब्लू टाइप का होता तो फिर भी ठीक होता यार, अपनी पहचान तो होनी चाहिए ना यार भाई। फ्रेजर ऑक्शन में गया तो कितने में बिकेगा भाई, मेरे ख्याल से इजीली 10 करोड़ के आसपास तो जाएगा ही जाएगा, नहीं 10 करोड़ इससे ज़्यादा इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है ना भाई, मतलब कुछ फ्रेंचाइजी होती है जैसे पंजाब हो गई, ये लोग मतलब यार ऐसे नए नवेले प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बट जो मतलब यार थोड़ी अच्छी फ्रेंचाइज होती है वो मतलब यार किसी भी ऐसे नए नवेले प्लेयर पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती है, बिकॉज उन्हें पता है कि एक्सपीरियंस मैटर्स करके, तो एक्सपीरियंस जहाँ पर को मैटर करता है ना वहाँ पर वो वाली टीम मतलब यार डेफिनेटली कमी दे दिया, तो 10 करोड़ मैक्सिमम बोलूंगा मैं, उससे ज़्यादा तो मुश्किल है थोड़ा सा। धोनी एंड ऋतुराज विद द ग्राउंड स्टाफ एट चेपॉक, कल बोल रहे थे ना भाई लोग कि यार रुक जाना करके, यही था भाई सीन, इनके यहाँ कुछ सेरेमनी टाइप की होती है आखिरी दिन के बाद। विराट कोहली हैज हिट मोस्ट बाउंड्रीज इन आईपीएल 2024, किंग इज कमिंग फॉर टी20 वर्ल्ड कप, भाई विराट कोहली मैं तो होप करता हूँ यार वहाँ टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही मतलब यार आप खेलो, सही बताऊँ पावर प्ले में रन चाहिए विराट कोहली से नो मैटर व्हाट, फिर विराट कोहली पावर प्ले के बाद आउट हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर विराट कोहली पावर प्ले में खेलते हैं और पावर प्ले में मतलब यार हमारा स्कोर 60-70 के आसपास हो जाता है, आई विल बी हैप्पी विद इट, विराट का कंट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। तो मुझे यही चाहिए भाई अपने मतलब यार पावर प्ले वाले प्लेयर से। लेट्स सी, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज तो मारी है विराट कोहली ने आईपीएल 2024 में, क्या ये टी20 वर्ल्ड कप में रेप्लिकेट कर पाएंगे? लेट्स सी भाई, लेट्स सी, लेट्स सी। एंडी फ्लावर सेड विराट कोहली लीडिंग इन द फील्डिंग फॉर अस एंड कीपिंग द एनर्जी हाई एवरी टाइम, किंग्स ब्रिंग द मोटिवेशन टू 10 अदर प्लेयर्स इन द फील्ड। अरे अमेजिंग यार, विराट कोहली है ही ऐसे कैरेक्टर यार, तभी तो बोलता हूँ भाई देयर इज ओनली वन एंड ओनली किंग भाई। वो जो मतलब यार दूसरा घंटे का किंग है ना, वो तो मतलब यार ऐसे ही घंटे का रह जाने वाला है सही में। जो रियल किंग है वो दैट इज ओनली वन किंग, उसके बाद यार लोग खाली मतलब उस किंग के साथ अपने किंग के साथ मतलब यार अपना स्टेटस पहुंचाने के लिए फालतू के किंग बनाते रहते हैं। आप देख ही रहोगे आयरलैंड के खिलाफ दूसरे घंटे के किंग का क्या सीन चल रहा है। सो रजत पाटीदार, इट्स इज अ स्केरी बैट्समैन अगेंस्ट स्पिनर्स इन आईपीएल 2024। हम लोग मतलब यार क्लासन की बात कर रहे थे, हम लोग मतलब यार दुबे की बात कर रहे थे, डैरल मिचेल की बात कर रहे थे कि ये लोग मतलब यार स्पिन के बहुत ज्यादा कमाल के प्लेयर है करके, बट जस्ट लुक एट क्या कहते हैं रजत पाटीदार भाई, इस बंदे ने 182 रन बना रखे स्पिनर्स के खिलाफ, जहां पर को इसने 81 बॉल खेल रखी है, तो लगभग 8-16, यानी कि इसने हर बॉल में 2 से ज्यादा रन बना रखे हैं। 20 छक्के मारे हैं, 5 चौवे मारे हैं, एवरेज देखो भाई स्पिनर्स के खिलाफ 91, 224 का इसका स्ट्राइक रेट है। तो स्पिनर्स का काल रजत पाटीदार, रजत पाटीदार वेंकटेश अय्यर वाला। रजत पाटीदार के दो रूप है भाई, एक है वेंकटेश अय्यर वाला, दूसरा है नॉर्मल रजत पाटीदार। तो कौन सा रजत पाटीदार आ रखा है वो आपको मतलब यार गेस करना पड़ेगा। रजत पाटीदार वेंकटेश अय्यर वाला बहुत कमाल का प्लेयर है, जैसे कि आप लोगों ने वेंकटेश अय्यर के मतलब इंटरव्यू में सुना होगा भाई अभी नहीं यार मैं भाई। रोहित शर्मा मेकिंग हिज फैंस हैप्पी इन कोलकाता, ब्यूटीफुल जेस्चर भाई रो। अरे रोहित शर्मा यहाँ पर को इस बच्चे से कह रहे हैं यार चिंता मत करो, अगले साल केकेआरई में आ रहा हूँ, बात बात चल चुकी है इस बार, मैं तुम्हारे केकेआर के कैंप में भी गया था, वहाँ पर को बढ़िया श्रेयस को मैंने मना रखा है कि यार भाई अगले साल मैं आ रहा हूँ तो कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर देना करके, सो डोंट वरी मैन मैं आ रहा हूँ अगले साल, मिलते हैं अगले साल, ऐसा मतलब यार रोहित शर्मा ने कहा है यहाँ पर को। क्वेश्चन, एनी इंडियन प्लेयर डिस्कस विद यू आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड वॉज अनाउंस, ये पूछा गया था खलील अहमद से। तो खलील अहमद कहता है रोहित भाई ऑलवेज टेल्स अस दैट वी हैव टू कीप अवर बॉडी फिट एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। तो ऑब्वियसली भाई ये मतलब यार ये बंदा आपको पता ही है रिजर्व में, शायद रिजर्व में है ना ये बंदा, आई गेस आई एम होपिंग कि यार ये बंदा हो, मैंने मतलब यार जहाँ तक मुझे याद है जहाँ तक यार ये बंदा है शायद मेरे ख्याल से रिजर्व में, वो अगर जरूरत पड़ी तो यार डेफिनेटली ये जो बंदा है वो आ सकता है भाई। और जिस तरह से बोलिंग करा रहा है भाई मैं भी इंप्रेस्ड हूँ यार इस आईपीएल का, मेरे ख्याल से वन ऑफ द ब्राइटेस्ट यंगस्टर ही बोलूंगा मैं इस बंदे को, ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, तो भाई ये बंदा रहा है यार, खलील अहमद ने अच्छी बोलिंग करा रखी है। ऋतुराज गायकवाड हैज एन एवरेज ऑफ 109 एट चेपॉक इन आईपीएल 2024। भाई आईपीएल 2024 ही छोड़ो, चेपॉक में इस बंदे का जो मतलब यार एवरेज है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये बंदा जब भी खेलता है ना चेपॉक में भाई, ये बंदा मैक्सिमम मतलब यार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये बंदा वहां पर को रन बनाता है। मान लो अगर चेपॉक में मतलब यार फाइनल होता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऋतुराज गायकवाड की एक मास्टर क्लास वाली इनिंग्स भाई। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एब्सोल्युटली मैन भाई, जिस तरह की टीम अब इनकी बन चुकी है आई थिंक ही इज लीडिंग वेल यार भाई, बिकॉज इनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं है, पथिराना नहीं है आपको पता ही है, दूसरा मिस्तफुजर चले गया है, अब तीसरा मतलब यार मोइन अली भी जाने वाला है, तो दिक्कत इनके लिए होने वाली है। लेट्स सी मतलब यार ऋतुराज गायकवाड़ इन लोगों को कैसे लीड करता है। एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जैसे ये सीएसके वर्सेस आरसीबी है भाई, क्या मैच बन गया है। देखो मैंने आज मतलब एक वीडियो डाली थी कि यार आरसीबी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ आईपीएल, मैं ये इसलिए बोल रहा था ना, लोग मतलब यार वहां बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, लेकिन मेरा कहना क्या मतलब क्या था मैं तुम्हें बताऊं, जिस तरह मतलब यार सीएसके हो गई या फिर मुंबई इंडियंस हो गई, ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जो मतलब यार आईपीएल की शान है, मतलब इन दोनों ने सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीत रखी है। अगर मतलब यार आप आईपीएल की बात कर दो, यू आर टॉकिंग अबाउट सीएसके एंड एमआई, सबसे पहले तो आप इन्हीं की बात कर दो। तो जैसे ये दोनों मतलब यार स्टार्स है ना आईपीएल के, एक मतलब यार होता नहीं है कि यार मतलब एक अंडररेटेड तो नहीं कहूंगा यार आरसीबी को, मतलब एक ऐसी टीम होती है जिससे मतलब यार आईपीएल की जो वो होती है ना मतलब बधा रहता है। देखो टॉप में तो ठीक है सीएसके मुंबई ये चलता रहेगा, ठीक है इनके बीच में राइवलरी हो रही है, बट कोई एक ऐसा फैक्टर भी तो होना चाहिए ना जिससे मतलब यार खट्टा मीठा वाला स्वाद मतलब वो है स्वाद है हमेशा, मतलब यार मीठा वाला स्वाद अच्छा नहीं लगता, खट्टा मीठा भी होना चाहिए। तो वो जो खट्टा मीठा टाइप का है ना भाई वो यार आरसीबी है। आरसीबी मतलब आती है ट्रोल होने लग जाती है, मतलब लोगों को बाधे रखती है, लोगों को मतलब यार ऐसा है कि आईपीएल से जोड़े रखती है। आप देखो आरसीबी आती है ट्रोल्स का शिकार बनते हैं भाई, विराट कोहली ट्रोल होता है, पूरी आरसीबी ट्रोल होती है, इवन मैं भी मतलब यार आरसीबी को ट्रोल करता हूं। बॉलिंग देख लो मतलब यार हमेशा ही वो लोग गाली खाते में रहते हैं, मतलब यार क्रिटिसाइज होने में रहते हैं। तो आरसीबी इज जस्ट नॉट अ टीम भाई, तुम कुछ बोल लो, लेकिन आरसीबी इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ आईपीएल भाई, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल। ठीक है मतलब यार वो लोग ट्रॉफी वगैरह नहीं जीत रहे, और आई एम नॉट सेइंग कि कहते हैं ये, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बिकॉज मैं आरसीबी का फैन हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज दिख रहा है भाई, देख लो जैसे मतलब ये आईपीएल है, इस आईपीएल में आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं होती हुई देखी होंगी, कभी टॉस पे मतलब यार सवाल उठ जा रहे हैं, कभी लोग मतलब यार कुछ और ही बोल ट्रेंड करवा दे रहे हैं, कल जैसे ट्रेंड करवा रहे थे मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन आप लोगों को पता ही है, कभी मतलब यार 250 मैचेस के बोरिंग बोल दे रहे हैं, कभी मतलब यार लोगों को बोल लिया, लोग बोल रहे हैं कि यार अब आरसीबी मतलब आईपीएल में
वाली आईपीएल वाली फील नहीं है करके, बट एट द एंड ऑफ द डे जब मतलब यार आईपीएल खत्म होने वाला है, कौन सी टीम ऐसी है जिसने मतलब यार एक बार फिर से जो दर्शक है उनको आईपीएल में मतलब यार खींच दिया है, मतलब आईपीएल देखने पर मजबूर कर दिया है? इट्स आरसीबी मैन, लास्ट 5 मैचेस में जीतती हुई आ रही है भाई। रियली मैं आरसीबी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ आईपीएल।